देखिए आज स्पेशल रसम तमिलनाडु स्टाइल रसम है, बहुत इजी रेसिपी है। आप देखिए ये रसम कितना खूबसूरत है, तमिलनाडु स्पेशल। आप लोग को भी अगर बनाना है तो ये मेरे तरीके से बना लीजिएगा, मैं भी कहीं तमिलनाडु से सीखा है। ये चीज़ मेरा फेवरेट है, जब भी आप बनाओगे तो घर पे ये चीज़ बना के खा सकते हैं। तो राइस गरम गरम चावल के साथ है और ठंडा दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ सुब्रत, आप देख रहे हो लिशा लाइफस्टाइल चैनल। आज एक स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ, तो आज तमिलनाडु स्पेशल रसम है। तो रसम के लिए तो मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जीरा, मिर्ची जो गोल मिर्च बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सब मेथी, ये देखो हल्का सा करी पत्ता डाल दिया मैंने उसके साथ जाए, उसके साथ साथ एक मिर्ची भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, एक सूखा वाला मिर्ची डाल दिया। अब देखो ये ऐसे दरदरा कुटा कर देना, तो उसके साथ जाएगा एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, ठीक है, ये देखो गाइस ऐसे ही दरदरा कुटा हो गया ये। तो उसके साथ हम नेक्स्ट क्या प्रोसेस करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने एक जगह पे ये देखिए, हमने एक जगह पे इमली रखा था, ठीक है। तो इमली ये रहा, इमली हम तीन आदमी के लिए बनाएंगे, तीन चार आदमी के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, चार आदमी के लिए पानी डाल देंगे। तो उसमें जो इमली था देखिए गाइज, तो मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया, तो इमली का अच्छे से मैंने क्रश कर दूँगा, ठीक है। क्रश करने के बाद एक टमाटर ले लेंगे, ये देखिए गाइस एक टमाटर, उसको ऐसे टमाटर के साथ अच्छा पता ही होगा। तो जैसे टमाटर जाएगा तो उसके साथ हमने धनिया पत्ता थोड़ा भी यहाँ पे ऐसे स्लाइसेस करके डाल देंगे थोड़ा सा, ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए गाइज। तो उसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया टमाटर और इमली का पानी। तो उसके साथ साथ अभी क्या करेंगे, स्वाद हिसाब से नमक डाल देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया, तो उसको हमने क्या करेंगे थोड़ा मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इमली का पानी, टमाटर और धनिया, हल्दी, नमक। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे, उसके साथ कढ़ाई डाल देंगे, जैसे आपको पता ही होगा कढ़ाई हीट होने के बाद हमने क्या करेंगे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे रिफाइन ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल। उसके साथ आपको तो पता ही होगा ऑयल जाने के बाद थोड़ा सा सरसों, ठीक है, थोड़ा सा सरसों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रखा था करी पत्ता, ये रहा करी पत्ता। फिर उसके बाद है गोल मिर्ची, ये देखो गाइज यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, पहले मिर्चा डालना चाहिए उसके बाद करी पत्ता डालना चाहिए, कोई बात नहीं आप अल्टरनेट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद हमने जो स्पेशल पाउडर बना के रखा था, ये जो पाउडर है इसके साथ साथ जाएगा,
वाह, बहुत खुशबू आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हरा मिर्ची है ना, तो उसको ऐसे दो कट लगा के डाल देंगे। ये हो गया, उसके साथ चला जाएगा ये पानी। सिंपल रेसिपी है। सब कुछ डाल दिया, नमक हल्दी सब कुछ यहाँ डाल दिया। सिर्फ फाइनली आपको पता ही होगा, तो हींग डाल दें इसमें। हींग का खुशबू और थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हींग डाल दिया। क्योंकि तमिलनाडु में बहुत फेमस है, ये लोग खाते हैं, डाइजेशन बहुत करते हैं, कोई मटन चिकन खाने के बाद भी उसको भी खाते हैं। ठीक है, ये भी आपने घर पे बनाओ, और चावल के साथ, गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठंडा दिन में, ठंडा सीजन में तो बहुत अच्छा लगेगा। वो तो मेरा फेवरेट है, आप लोग को कैसे लगेगा आप बता दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तक बॉइल कीजिएगा बस। देखो गाइस, ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम गैस करेंगे बंद। ये हो गया, देखो, वाह नाइस, स्पेशल रसम। चलिए गाइस, ये छोटा सा रेसिपी था आप लोग के लिए, तो देखिए घर पे जरूरी ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूँ ये साउथ इंडियन स्पेशल रसम आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, तो ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अगर हमारे चैनल में आप लोग न्यू है तो ज़रूरी सब्सक्राइब और शेयर करना, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जब ताकि मैं नेक्स्ट कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में आ जाएगा। थैंक यू, जय जगन्नाथ।